दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और ये एक सा प्लान होने वाला है बहुत ही यहां पर मैंने जो डिजाइन किया इसका लुक जो आप देख रहे होंगे फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं बहुत ही यूनिक आपको होने वाला है तो पूरा मॉडल आज हम दिखाएंगे ये थ्री साइड क्लोज कर तीनों साइड से दोस्तों ये बंद है केवल फ्रंट से ही ये मकान ओपन है तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से तो बने इस वीडियो में लगातार मैं हूं झागड़ और आप देख रहे हैं चैनल हाउस हाउस प्लान प्लान दोस्तों पर आपको लगातार ऐसे ही मॉडल्स नए नए वीडियो मिलते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस पर आपको लगातार अपडेट वीडियो मिलते रहे और आप जब भी घर बनवाए तो एक बार यहाँ पर विजिट करें और आपको एक बेहतरीन सा घर देखने को मिले बेहतरीन सा मॉडल मिले तो अगर हम इसे जूम करें तो देखिए जूम करने पर भी आपको सी डिजाइन रेलिंग ग्रिल वगैरह आपको देखने को मिलती है और ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है तो इसी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं फ्रंट का एलिवेशन आप देखें दो पिलर है उसमें पोर्च डिजाइन किया है और ये जो बीम है वो थोड़ा सा जिगजैक और वी यू से में बना हुआ है ये ही आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है मैं बात करें फ्रंट की विंडो की तो विंडो भी राउंड शेप में लगी है और साथ साथ तो इस पर ये जो आपका फ्रेम लगा हुआ वो भी राउंड में है वही बात करें इस साइड की, की तो वो भी विंडो ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर लगा हुआ है इसके बाद से आप ऊपर जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सीधा पोर्च में और पोर्च आप देखें टॉप से अगर आप देखना चाहें तो ये आपका पोर्च बना हुआ है जहां पर मैंने चेयर वगैरह डाल रखी है इसके बाद ये इसका मेन डोर है जहां से आप घर में एंट्री करेंगे लेकिन मेन डोर से पहले साइड में जो दो बेडरूम्स बने हैं उसके लिए डोर देखिए मैंने ये दिया है आप इस वाले डोर को भी एक्सेस कर पाएंगे रूम को भी एक्सेस कर पाएंगे इस वाले डोर से और साथ साथ यहाँ भी डोर दिया है इसको भी एक्सेस कर पाएंगे आप इनको गेस्ट रूम बना सकते हैं अगर आपको इसका डोर अंदर चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं हालांकि मैंने नहीं दिया है अब अब मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं इस वाले मेन डोर से तो आप पहुंच जाते हैं आंगन में तो जैसे आप आंगन में पहुंचते हैं तो ये देखिए आंगन से आपकी सभी जगह एंट्री हो जाती है अब हम बात करते हैं इधर की सबसे पीछे दो कॉर्नर पर से आपको कॉर्नर पर मिल जाते हैं उसके दोनों के बीच में आपको बड़ा सा किचन मिल जाता है दो कॉर्नर बेडरूम और ये एक किचन और वही बात करें ये आपका एक स्टडी रूम है छोटा सा रूम है अपने बच्चों के लिए आप स्टडी रूम बना सकते हैं वही बात करें इस साइड की तो इधर आपकी स्टेयर है और उसके नीचे लेट एंड बाथ का मैंने दिया है तो ओवरऑल इस घर की बात करें तो यहाँ पर पांच बेडरूम मिलते हैं फोर बड़े साइज के बेडरूम एक स्मॉल साइज के बेडरूम और एक किचन लेट बाथ स्टेयर्स और बड़ा सा आंगन भी आपको देखने को मिलता है अब अगर ये मकान आपका तीनों साइड से है तो आप बीच में यहाँ पर जाल रखवाइएगा छत पर जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे अगर आपके पास जगह है तो आप चारों तरफ जहां 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 भी जाँ 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 भी बेडरूम्स है है किचन वहां पर आप आसानी से विंडो लगवा सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन और होता रहेगा वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आप कैसे उसे यूज करना चाहते हैं ये फ्रंट का देखिए मैं और एक बार जूम करके दिखाता हूँ एलिवेशन आपको कैसा लग रहा है देखिएगा मैक्सिमम जूम कर रखा मैंने तो आपको और बेहतरीन की तो आप देख सकते हैं है। वॉल मैंने दिया है इसके बाद जो ग्रिल मैंने बनाई है वो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर तो पैलर सिमिलर गया आगे से थोड़ा दो से तीन फिट आगे गया फिर उसमें ये वाला डिजाइन बना हुआ है और डिजाइन देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है बीच ओम का सिम्बल लगा हुआ है जो आपके घर को एक लुक और देता है इस पर ये अगर इस बात करें डिजाइनिंग के स्क्वायर यूज किए गए हैं और यहाँ पर एक ग्रिल यूज की गई है इसके बाद ग्रीन कलर की घास भी मैंने यूज की है ग्रास यूज किया है इसे घर में थोड़े से और अच्छा लगने लगे क्योंकि पूरा व्हाइट और इस कलर का था मैंने इसलिए ग्रीन कलर भी थोड़ा डाल दिया बात करें इसकी तो ये आपको स्टेज को देखने के लिए घुमटी है और इससे आप ऊपर आएंगे ये आपका पूरा छत के रेडी हो जाता है तो ये पूरा मकान पांच बेडरूम के साथ बनकर रेडी होता है इसका साइज की बात करें तो थर्टी थ्री क्रॉस फोर्टी टू का साइज है और अगर आप इसका टू डी प्लान चाहते हैं तो वो हमारी एक पेड सर्विस आपको कुछ पे करना होगा तभी इसका टू डी प्लान मिलेगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सअप नंबर आप कॉन्टेक्ट करें या आप किसी प्रकार घर बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो भी हमारी एक पेड सर्विस होगी फिफ्टी परसेंट पेमेंट एडवांस देना होता है फिफ्टी बाद में तो ये वीडियो कैसा लगा आप ओपिनियन बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग